हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग हिंदी पैडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आने वाले सभी टेट के एग्ज़ाम के लिए और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकेंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकेंगे। तीसरा ऑप्शन है, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकेंगे। और चौथा ऑप्शन है, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6-7-8 के जो बच्चे होते हैं उनको जो कहानी और कविता पढ़ाया जाता है तो उसका क्या पर्पस होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि उन्हें वे अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है कि कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे को अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। प्लूटो ने यह कहा था कि बच्चा जो होता है बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। क्यों? क्योंकि एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो बोलता है तो कई बार बड़ों को उसकी भाषा नहीं समझ में आती, जैसे कि कोई विदेशी हो तो उसकी भाषा को हम लोग पूरा नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ, भाषा की जो कक्षा होती है उसमें कहानियाँ कथन जो होता है, कहानियाँ जो सुनाई जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है। जो कहानियाँ, ऑप्शन नंबर 1 है, मनोरंजन का साधन है। दूसरा है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। तीसरा, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। चौथा ऑप्शन है, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो आपने पढ़ा है, NCERT 2005, तो उसका जो कथन है भाषा को लेकर, ठीक है, भाषा के बारे में उसमें क्या कहा गया था, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कि भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए। दूसरा है, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है फ्रेंड्स। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है फ्रेंड्स कि NCERT 2005 में भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। क्योंकि अगर जब हम लोग दूसरे विषय को पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग भाषा का ही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग भाषा को सीखते हैं और भाषा के माध्यम से अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। दूसरा है, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है।
तीसरा है पढ़ना लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। चौथा है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो सही ऑप्शन फ्रेंड है कि सारे कौशल, ये जो चार कौशल होते हैं, चार जो ये भाषाई कौशल है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये जो है अंतः संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी के पाठ्य पुस्तक में जो रचनाएं हमें साहित्यिक रचनाएं पढ़नी होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत कराना। दूसरा है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। तीसरा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार से परिचित कराना। और चौथा है पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह कराना। तो सही ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित कराना, क्योंकि सभी साहित्य जो होते हैं, अलग अलग साहित्य जो होते हैं, जो अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा रचे जाते हैं, तो हर की भाषा शैली जो होती है, उनकी जो लिखी गई भाषा होती है, उनमें अंतर होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, उनसे परिचित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है, रश्मि जो है शिक्षिका है, वो अपनी कक्षा को है जो मैदान में ले जाती है। क्यों? क्योंकि उसको आज क्या है, कविता पाठ करवाना है जो कि पर्यावरण पर आधारित है, पेड़ पौधे इन सब चीज़ों के बारे में कविता में है। ठीक है, तो उसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है फर्स्ट बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। दूसरा है बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। तीसरा है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना। चौथा है अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो फ्रेंड्स, एकदम साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना, यानी कि वो प्राकृतिक के साथ, उसके वातावरण के साथ जोड़कर कविता को पढ़ाना चाहती है, जिससे कविता जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगे। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। पहला है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। दूसरा है आंकड़ों को सहेज कर रखना। तीसरा है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। और चौथा है आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, ऑप्शन है जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। दूसरा है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। तीसरा है बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करता है। चौथा है व्यवहारिक नहीं है। उसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ऑप्शन है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। दूसरा है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तीसरा है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। चौथा है भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पे बल दिया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टू, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुति लेख, बच्चों के उत्तर लिखवाना,
इकाई परीक्षा देना। तो यहाँ रचनात्मक आकलन यानी क्रिएटिविटी की बात हो रही है। तो बच्चे जब खुद से लिखेंगे अपने अनुभव को तो यहाँ पे वो सबसे बेहतर उदाहरण है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें कैसे क्वेश्चन होना चाहिए जो कि उचित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, विशेषणों के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, अब बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का परीक्षा है तो उसमें ये प्रश्न सबसे सटीक होगा जिसमें उसकी भाषा की जांच होगी। बाकी सब क्वेश्चन जो है ग्रामर क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है, हिंदी ग्रामर का। लेकिन जो भाषा की बात कही गई है कि भाषा कहाँ से हम लोग उसका परीक्षण कर सकते हैं, तो उचित आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वाधिक उचित जो है यही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के द्वारा डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं चॉम्स्की के द्वारा। ऑप्शन है, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता। नेक्स्ट है, भाषा आकलन क्षमता। नेक्स्ट है, व्याकरणीय नियमों की जानकारी से। तो चॉम्स्की के अनुसार जो है बच्चे भाषा अर्जन क्षमता के कारण सीखते हैं, यानी कि हर बच्चे में भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है, यानी कि बच्चा जब हमें बोलते हुए सुनता है तो वो सुनकर अनुकरण करता है, उसका अर्जन करता है। तो भाषा अर्जन के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं, उसमें यह क्षमता होती है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है, मानक भाषा पर बल देना। दूसरा है, समग्रतावादी दृष्टिकोण। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। चौथा है, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो सही ऑप्शन होगा समग्रतावादी दृष्टिकोण, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण का होना बहुत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कैसे होते हैं। या तो वो कम सुनते हैं, या फिर देखते नहीं हैं, वधीर है, ठीक है, या फिर बोल नहीं सकते, कुछ ना कुछ उनमें कमियां हैं, कुछ शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके लिए कौन सा जो है भाषा का आकलन कैसे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, इससे तो उनका विकास होगा ही नहीं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो सही सबसे सटीक जो है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो कोई बच्चा जो होगा वो देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, या फिर बोल नहीं सकता, तो उसकी क्षमता और उसकी जो सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए भाषा का आकलन करना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए अगर आपको पसंद आया हो। तो अगर ये चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।